राहुल के माइक बंद करने के आरोप पर उपराष्ट्रपति बोले, विदेश में झूठ का प्रचार किया गया, ये देश का अपमान। कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कहा था, भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। राहुल के इस बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उपराष्ट्रपति ने गुरुवार को राहुल का बिना नाम लिए कहा कि विदेशी धरती से यह कहना कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, यह एक तरह से झूठ का प्रचार करना है, ये देश का अपमान है। उपराष्ट्रपति धनखड़ नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह की मुंडक उपनिषद पर आधारित एक बुक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी ताकतों को बेनकाब करें और उन्हें विफल करें। वहीं धनखड़ की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, उपराष्ट्रपति सरकार के चीयर लीडर नहीं हो सकते। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और वर्किंग डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि यह कितना अजीब है, यह कितना दुखद है कि दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और जीवंत लोकतंत्र को स्वीकार कर रही है, वहीं हमसे कुछ जिनमें सांसद भी शामिल हैं जो समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों को गिराने में लगे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करने को सही नहीं ठहरा सकती। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।